أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पिछली एक और दो आयत का मुताला किया था और उससे सबक आमोज हदायत हासिल करने की कोशिश की थी और आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आज मज़ीद तीसरी, चौथी और पांचवी आयत का मुताला हम और छठी का भी थोड़ा सा आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करेंगे और अपने इल्म में भी थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लज़ीना يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, यानी जो न दिखने वाली चीज़ अल्लाह तबारक व ताला, चूँकि हम में से इंसानों में से किसी को भी या रोए ज़मीन पे जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें से किसी को भी नज़र नहीं आता है, तो किसी न किसी जाविये से हर मखलूक का ये कायदे कानून है कि वो उस अल्लाह तबारक व ताला पे गायबी यकीन रखते हैं जो उसके पैरोकार होते हैं। तो वो गायब है और जो चीज़ हमसे मख्फी हो, गायब हो, हमें उस चीज़ पे ईमान रखना चाहिए और हम अल्लाह तबारक व ताला पर यकीन रखते हैं कि वो हमसे गायब है और हमारे हर 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 हाल से, हर हर राज से, हर बात से वाकिफ है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी, यानी वो लोग जिन लोगों ने गैब पर ईमान रखा है, व युक़ीमूना अस्सलात, और नमाज को कायम रखते हैं, यानी नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से खाते हैं जो कुछ हमें उन्हें दिया है और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला पर गैब पर ईमान रखना और नमाज को कायम करना और उस माल में से खर्च करना जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दिया है। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला, और वो लोग जिन्होंने ईमान रखा है बिमा उन्ज़िला, उस पर जो उन पर उतारा गया है, इलैका उनकी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिलआख़िरति हुम युक़िनून, यानी जो आपकी तरफ से उन लोगों पर उतारा गया और उससे पहले उतारा गया
यानी जो उन पर उतारा गया वो उस पर ईमान रखते हैं, और जो उनसे पहले वालों पर उतारा गया उस पर ईमान रखते हैं, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि आखिरत है, एक ना एक दिन हमने अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश होना है और इस दुनिया का दी एंड होना है, इस बात पे यकीन रखते हैं। उलाई का पस वही लोग, अला हुदन रब्बिक हिम, यानी हिदायत पर हैं अपने रब की, व उलाई का हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग मुफ्लिहून यानी कामयाब हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं जो ईमान रखते हैं और जो यकीन रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और उस चीज़ में से खर्च करते हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें दे रखी है, और यौमुल आखिरत पर यकीन रखते हैं कि हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, वही लोग अपने रब की तरफ से दी हुई हदायत पर हैं, और वही लोग फलाह यानी कामयाब और नजात पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, अब ये यहाँ से टॉपिक चेंज कर देते हैं कि अब जो लोग अल्लाह तबारक व ताला की गैब होने पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, उस माल में से खर्च करते हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको दिया है, और इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उतारी गई है और जो उससे पहले उतारी गई है, जो उन लोगों के पहले उतारी गई है, यानी इस कुरान करीम पर और कुरान करीम से पहले, चाहे वो तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो या सहीफे हों, उन पर ईमान रखते हैं, चाहे वो मोहम्मद सबसे अव्वल तरजीह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो नबी हैं और रसूल हैं अल्लाह के, और उसके बाद तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं कि हमें एक न एक दिन जब इस दुनिया का दी एंड होगा, उस दुनिया की आखिरत होगी, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, तो उसके बाद हमें अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश होना है, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। यहाँ तक एक टॉपिक बनता है, अब यहाँ से आगे इससे उलट है, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया, तो यह दूसरी वीडियो में सीखेंगे, फिलहाल हम जायजा लेते हैं थोड़ा सा मुतालिका इसी में। अमूर गाइबिया से मुराद वो चीज़ें हैं जिनका इदराक अक्लो हवास से मुमकिन नहीं, यानी गायब चीज़ उस चीज़ को हम कहेंगे कि जो हमारी अक्ल और हमारे हवास से गायब है, जिसका हम जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे ज़ाते बारी ताला, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो कैसे होंगे, उसकी हयात कैसी होगी, उसकी शक्ल कैसी होगी, वो क्या खाते पीते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, कैसे उसके बारे में हम कोई इल्म नहीं रख सकते हैं। वही इलाही, और वही इलाही यानी वही इलाही कैसे नाजिल होती है, किस पर नाजिल होती है, कब कब नाजिल होती है, ये हमें इसके बारे में भी इलम नहीं है। जन्नत के बारे में हमें इलम नहीं है, दोजख के बारे में हमें इलम नहीं, मलाइका को हम नहीं देख सकते, अजाब कब्र को हम नहीं देख सकते, और हशर हशरा जसाद यानी हशर के मैदान में क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। अलबत्ता इन तमाम चीज़ों पर हमें
ईमाने गैब रखना है, और ईमाने गैब होना चाहिए अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पर, अल्लाह तबारक ताला की वही पर, जन्नत दोज़ख मलाइका अजाब कब्र और हशर जसारत जसाद वगैरह पर हमें गैबाना ईमान रखना चाहिए। और हमें जो लोगों को गायबाना ईमान है इन चीज़ों पर और उससे मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई मावराए अक्ल व एहसास बातों पर यकीन रखना, यानी इससे मालूम हुआ हमें कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुए बातों पर हमें पूरा यकीन रखना है। जुज़ो ईमान है और उनका इनकार कुफ्र व ज़लालत है। इन चीज़ों के इनकारी काफिर और ज़लील लोग हैं। नंबर दो, जब हम नमाज की बात करते हैं तो अकामत सलात, यानी अकामत सलात से मुराद पाबंदी से और सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज का अहतमाम करना, पंचगाना नमाज पर अदा करना और उसके साथ साथ जो भी उसकी अहकामात हैं उन पर अमल करना। तफसील के लिए देखिए सूरह अनकबूत 2954 का हाशिया, वहाँ आपको समझ आ जाए कि सुन्नत के मुताबिक नमाज का अहतमाम किस तरह से किया जाता है। फिर इसके बाद नंबर तीन आता है कि इन्फाक, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उसे किस अंदाज में किस तरह खर्च करना है। इन्फाक का लफ्ज़ आम है जो सदाकत वाजिबा और नाफिला दोनों को शामिल है। अहले ईमान हस्ब इस्तेताअत दोनों में कोताही नहीं करते, माँ बाप और अहलो आयाल पर सही तरीके से खर्च करना भी इसमें दाखिल है और बाइस अजर व सवाब है। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उससे हम उसकी इस्तेताअत तक, यानी जो हमें इस्तेताअत है उसमें से हम खर्च करेंगे, माँ बाप पर भी खर्च करेंगे, अहलो आयाल पर भी खर्च करेंगे और सही तरीके से खर्च करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और इन चीज़ों से अलावा, इन चीज़ों पे अगर खर्च करेंगे माँ बाप वगैरह पे, अहलो आयाल वगैरह पे और सही तरीके के कामों में, तो हमें सवाब है, और अगर उससे हट के हम खर्च करेंगे तो हमें गुनाह भी हो सकता है। पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है, यानी जो दूसरी बात इसमें से चौथी बात इसमें आई थी कि उस पर ईमान रखना जो उन पर नाजिल किया गया है और उस पर ईमान रखना जो उनसे पहले वालों पर नाजिल किया गया है। तो पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो किताबें अंबिया पर नाजिल हुई वो सब सच्ची हैं, लेकिन वो अब अपनी असल शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जाती, नीज अब इन पर अमल भी नहीं किया जा सकता। अब अमल सिर्फ कुरान और उसकी तशरीह नबवी हदीस पर, तशरीह नबवी हदीस पर ही किया जाएगा। यानी इससे पहले जो किताबें नाजिल की गई, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ज़बूर हो, चाहे वो तौरात हो या चाहे वो सहीफ़े हों, उन चीज़ों पे, उन अहकामात पे, चंद अहकामात ऐसे हैं जिन पे हम अमल करते हैं या करना चाहिए,
जो कि कुरान से वाज़े हैं और कुरान उनकी तस्दीक देता है, उन अहकामात और उन बातों पर अमल करना और करते हैं हर वो लोग जो कुरान के मानने वाले होते हैं। लेकिन अगर कुरान में मानने वालों के अलावा कोई अमल करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मज़हब के तौर पे करता है, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत कुरान का हामिल अगर करेगा तो जायज़ भी है कि जिस चीज़ की तस्दीक और सदाकत कुरान देता है कि आप इस तरह करो, ये अमल पिछली किताबों में है, जैसे हमें कुर्बानी का वाक्या फिर पिछली किताबों से भी मिलता है और कुरान से भी मिलता है, तो उस पे हम अमल करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे वाक्यात हैं जिन पे हम अमल करते हैं। तो पिछली किताबों पर यानी उन चार किताबों पर और उसके हट के सहीफे वगैरह और कुरान पर हमें ईमान रखना चाहिए और होना चाहिए। अगर हमें इन चीज़ों पे ईमान नहीं है तो हम काबिले कबूल नहीं किए जाएंगे। वो सब सच्ची हैं, पिछली जो किताबें हैं वो सब सच्ची हैं, लेकिन वो अब अपनी असल शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जाती हैं। हर एक इंसान ये समझ ले कि जो पुरानी किताबें हैं वो अपनी असली साख्त में मौजूद नहीं हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है, उनमें अपनी बहुत सी ऐसी बातें शामिल की गई हैं। तो अब जो तस्दीक कुरान करता है वो ये है कि जो पिछली किताबें हैं वो सब की सब तब्दील और बदली गई हैं। हम सिर्फ ईमान रखते हैं कुरान और उसके अहकामात पर, और इस कुरान की तशरीह नबवी तरीके से यानी हदीस के मुताबिक जो की गई है उस पर। इससे ये भी मालूम हुआ कि वही व रसालत का सिलसिला आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया, यानी इस चीज़ से यानी जो ये नाजिल हुई आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उससे पहले अंबिया पर, उस पर हमें ईमान रखना चाहिए। अब उसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, तो मेरी तरफ से ये पैगाम आपकी तरफ है, या ये किसी खुदा ने या किसी और या किसी भी ऐसी ताकत ने बना के भेजा है, तो वो हमें काबिले कबूल और ईमान उस पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उसी पे वही का आना बंद हुआ है। अब ना तो किसी पे वही आएगी और ना ही कोई रसूल पैगंबर हो सकता है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर वही नाजिल होने वाली होती तो उस पर भी ईमान लाने का जिक्र अल्लाह ताला ज़रूर फरमाते। यानी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल होने के तस्दीक न होती और उसके बाद भी कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आने वाला होता तो उसके आने के बारे में भी इस कुरान के अंदर तस्दीक दी जाती कि हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के बाद भी एक और नबी आने वाला है। बल्कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है। हाँ, अलबत्ता ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसको फिर से
दुनिया में उतारा जाएगा, लेकिन वो उसी हैसियत से उतारा जाएगा जो उसकी हैसियत पहले की थी। उसे आखिरी नबी हम नहीं मान सकते। नंबर 5, इस बात से वाज़ह किया गया है कि यही अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, यानी वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं जो इन ऊपर वाली बातों पे ईमान रखते हों। ये उन अहले ईमान का अंजाम बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद तकवा व अमल और अकीदाए सही का अहतमाम करते हैं, यानी अपने इन चीज़ों पे जो ऊपर बताई गई इन पे अकीदतमंद होते हैं कि ये अकीदा उनका सही है और उन पर ईमान और तकवा और अमल करते हैं, तो वही लोग कामयाब और नजात पाने वाले हैं। महज ज़ुबान से इजहार ईमान को काफ़ी नहीं समझते, यानी वो लोग खाली अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को अदा करना और उस पे इक्तफा करना नहीं समझते, बल्कि उस पे अमल भी करते हैं। कामयाबी से मुराद आखरत में रज़ाए इलाही, यानी कामयाबी उस चीज़ को कहेंगे जब हम मरने के बाद रब ताला के सामने खड़े हो जाएंगे और वहाँ जो सवाल और जवाब होंगे उनसे हम उस सवाल और जवाब के सेशन में से हम पास हो के अल्लाह तबारक व ताला की रज़ाइयत के साथ हम जहाँ अल्लाह तबारक व ताला रखना चाहे वहाँ पहुँच जाएँ, तो वही सबसे बड़ी खुशी और वही सबसे बड़ी कामयाबी है। और वही लोग कामयाब और कामरान होंगे जो उस चीज़ से, जो उस सेक्शन से, जो उस सवाल जवाब के इम्तिहान से पास हो जाएंगे और फिर जहाँ वो रहना चाह जहाँ उनको अल्लाह तबारक ताला रखना चाहे वहाँ पहुँच जाएँ, तो वही लोग कामयाब और नजात पहन पाने वाले हैं। रज़ाए इलाही और उसकी रहमत व मगफिरत का हुसूल है। इसके साथ दुनिया में भी खुशहाली और सआदत व कामरानी मिल जाए तो सुबहान तआला वरन सुबह सुबहान अल्लाह वरना असल कामयाबी आखरत ही की कामयाबी है। यानी अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को इस दुनिया में खुश रखना चाहे और उसे खुशी देता है और पूरी सआदत और कामरानी के साथ उस किसी शख्स को इस दुनिया में कामयाबियां मिलती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इस बात के लिए सुभान अल्लाह। लेकिन असल कामयाबी तो वही कामयाबी है जो आखरत में कामयाबी हो। इसके बाद अल्लाह ताला दूसरे ग्रह का तज़करा फरमा रहा है, यानी ये उन लोगों का तज़करा था जो अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान रखते हैं, यानी गायब चीज़ों पर ईमान रखते हैं, नमाज वगैरह नमाज को कायम करते हैं वक्त पर और खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने उनको दिया है और ईमान रखते हैं आप ने अल्लाह तबारक व ताला की उतारी हुई किताब और किताबों पर, यानी कुरान और उसके अलावा जो भी चीज़ें नाजिल की गई हैं, जो भी सहीफे या चार किताबें नाजिल की गई हैं उन पर, और ईमान रखते हैं आखरत पर वगैरह वगैरह, जो भी ऊपर मैंने सारी चीज़ें गिनाई हैं, और असली हिदायत पर रहते हैं और नजात हासिल करते हैं और फलाह पाते हैं, तो ये उन लोगों की तरफ एक टॉपिक एक मज़मून था जिसका जायज़ा और जिसका मुताला हमने किया। बल्कि इसका कुफ्र व इनाद इस इंतहा तक पहुंचा हुआ है जिसके बाद उससे खैर और कबूल इस्लाम की तवक्का ही नहीं।
ईमान न लाए। तो ये कामयाब और कामरान लोगों की सिफात बयान की गई हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक है वो इसके अपोजिट है, यानी कुरान में हर उस टॉपिक का लिहाज रखा गया है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान किया गया है। पहले से पहले एक चीज़ को जब बयान किया गया है तो फिर उस चीज़ के अपोजिशन में भी किसी दूसरे टॉपिक का होना बहुत अक्सर पाया जाता है। और अगर इस चीज़ को हम पॉजिटिव और नेगेटिव के एंगल से नहीं देखते हैं कि सपोज दैट एक बयान आया है कि जो लोग कामयाब हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें कामयाबी मिलती हैं, और उन्हें फिर एंड में स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कैसे कैसे रहते हैं या उनको क्या क्या करना चाहिए, और जो नाकाम लोग होते हैं तो वो किस चीज़ की वजह से नाकाम होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक्स हुआ करते हैं। वही यहाँ पे भी हैं। एक पॉजिटिव था कि जो लोग ईमान लाते हैं, गैब पर नमाज कायम करते हैं, उस चीज़ में से खर्च करते हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें दी है, और ईमान रखते हैं जो उन पर नाजिल किया गया है और जो उनसे पहले लोगों पर नाजिल किया गया है, और योम आखरत यानी डे ऑफ द एंड पे, आखरत डे आखरत के दिन पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, और फिर वही लोग रब की तरफ से दी हुई हदायत पर हैं और वही लोग कामयाब और कामरान हैं। अब इसके अपोजिट आएगा, अब जो लोग कुफ्र करते हैं, डरते नहीं अल्लाह से वगैरह वगैरह, तो ये बयान हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में सुनेंगे और इस पे मुताला भी करेंगे, इसका जायज़ा भी लेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। याद रखिएगा अपनी दुआओं में। वाखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।